दोस्तों आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो कुछ बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो डायरेक्ट इसका उत्तर बोल देंगे। कैसे? देखो 3 की पावर 16 उसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो डायरेक्ट उत्तर बता देंगे 3 की पावर 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऑप्शन ऐसे बता दिया। चलो भाई ठीक है, जिन बच्चों को तो आता है वो ऑलरेडी ऐसे कर देंगे, जिनको नहीं आता वो देखो आप इधर क्या करेंगे, वो 3 माइनस 1 और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक, बी और ये ए प्लस बी बन गया, वो क्या होता है हमारे लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उन्होंने लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 3 माइनस 1 का इधर नीचे आके क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली आगे देख रहे हो इसी तरीके से फॉर्मूला लगता जाएगा हर किसी में, ये नेक्स्ट वाले टर्म मिलती जाएगी। तो हम 3 की पावर 8 तक तो हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 16 -1 डिवाइडेड बाय 2, कि ये 2 का 2 ऐसे ही एज इट इज, और ये हमारा बच गया 3 की पावर 16 + 1। ठीक, तो फाइनल उत्तर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से लग जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला, तो 3 की पावर 32 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर।